नमस्कार, मैं अंजनी कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने देखा होगा कि घर की फर्श बनने के 1-2 साल के अंदर ही अंदर घर की फर्श में कहीं कहीं इस तरह से दरारें आने लगती हैं। यह दरारें क्यों आती हैं, इन दरारों के आने का कारण क्या है, यह दरारें ना आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि घर की फर्श में दरारें ना आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। घर की फर्श बनाते समय हमें 8 बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जिस कमरे में आपको फर्श बनानी है उस कमरे को आप सबसे पहले पानी से भर देंगे, जिससे उस कमरे में जितनी मिट्टी बैठनी हो वो बैठ जाए। मिट्टी पूरी बैठनी इसलिए जरूरी है, यदि फर्श बनने के बाद यह मिट्टी बैठेगी, मिट्टी बैठने के साथ साथ आपकी फर्श भी बैठना स्टार्ट होगी, जिससे फर्श में क्रैकिंग आ जाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि फर्श बनाने से पहले आपको जिस कमरे में फर्श बनानी है उस कमरे में पूरी तरह से पानी भर दीजिए, जिससे उस कमरे में जितनी मिट्टी बैठनी होगी वो बैठ जाएगी। ठीक है, सेकेंड स्टेप की बात करें तो पानी भरने के 2 दिन बाद पानी पूरी तरीके से सूख जाएगा। पानी सूखने के बाद गीली मिट्टी को कुछ इस तरह से फावड़े से प्लेन करा लेंगे। थर्ड स्टेप की बात करें तो गीली मिट्टी को फावड़े से प्लेन करने के बाद आपको धुरमुट से कुछ इस तरह से रैम करा देना है, यानी कि कुटाई करा देनी है। ठीक है, और धुरमुट यानी कि रैमर से कुटाई कराते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हल्की कुटाई नहीं करानी है, आपको मिट्टी को तब तक कूटना है जब तक मिट्टी पूरी तरह से बैठ ना जाए। ठीक है, यदि आप हल्की कुटाई कराएंगे तो यही मिट्टी फर्श बनने के बाद जब इस पर लोड पड़ेगा तो यह मिट्टी बैठ जाएगी, जिससे फर्श भी बैठने लगेगी और फर्श में क्रैकिंग आ जाएगी। सो कुटाई का आप बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए, कुटाई तब तक कराइए जब तक मिट्टी पूरी तरीके से बैठ ना जाए। फोर्थ नंबर की बात करें तो धुरमुट से अच्छे से कुटाई कराने के बाद आपको पूरी फर्श पर इस तरह के पत्थर या फिर इस तरह की टूटी हुई ईंट के टुकड़े बिछा देना है। अब यहाँ पे बात आती है कि ईंट का टुकड़ा बेस्ट है या फिर ये गिट्टी जिसको हम बेसाल्ट बोलते हैं, आप देख सकते हैं इस बड़ी गिट्टी को हम बेसाल्ट बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा परफेक्ट है, ईंट का टुकड़ा भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है और ये बेसाल्ट यानी कि बड़ी गिट्टी भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। आप जो यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। ईंट का टूटा हुआ टुकड़ा लगाएंगे तब भी आपकी फर्श पूरी तरह से परफेक्ट बनेगी, यदि आप बेसाल्ट यानी कि बड़ी गिट्टी लगाते हैं तब भी आपकी फर्श पूरी तरह से परफेक्ट बनेगी, यानी कि फर्श बनाने के लिए ईंट का टुकड़ा भी परफेक्ट है और बेसाल्ट भी परफेक्ट है। ठीक, सो आप देख सकते हैं यहां पे जो फर्श बन रही है वहां पे बेसाल्ट बिछाया गया है। 5 पॉइंट की बात करें तो पूरे फर्श पर इस तरह से गिट्टी बिछाने के बाद यदि आप चाहते हैं कि आपकी फर्श में कभी भी क्रैकिंग ना आए तो फर्श बनाते समय इस तरह से कांच की पट्टियों का उपयोग करिए। फर्श बनाते समय कांच की पट्टियों का इस तरह से उपयोग करने से फर्श में कभी भी क्रैकिंग नहीं आती है। आप देख सकते हैं ये हमारी कांच की पट्टी है, इस कांच की पट्टी का उपयोग फर्श बनाते समय कुछ इस तरह से किया जाता है। इस तरह कांच की पट्टियां लगाने के बाद कंक्रीटिंग कर दी जाती है, जिससे हमारी फर्श बनकर तैयार हो जाती है। सो फर्श में क्रैकिंग आने का यही सबसे बड़ा कारण है कि फर्श बनाते समय हम फर्श को एक ही लेयर में बना देते हैं, जिससे बाद में चल के हमारी फर्श में कहीं कहीं क्रैकिंग आने लगती है। और यदि फर्श बनाते समय हम इस कांच की पट्टी का उपयोग करते हैं तो हमारी जो फर्श है वो कई लेयर में बढ़ जाती है, एक लेयर में नहीं रहती, जिससे हमारी फर्श में क्रैकिंग नहीं आती। फर्श में क्रैकिंग ना आए इसके लिए एक तरीका और है कि फर्श बनाने के बाद आप फर्श में टाइल्स लगवा दीजिए तो आपके फर्श में क्रैकिंग नहीं आएगी। जिस फर्श पर आपको टाइल्स नहीं लगानी है उस फर्श पर आप इस कांच की पट्टी का उपयोग जरूर से जरूर करें। कांच को इस तरह से लगाने के बाद हम 1-2-4 रेशियो का कंक्रीट बनाकर कुछ इस तरह से कंक्रीट को फिल कर देंगे, जिससे हमारी फर्श बनकर तैयार हो जाएगी। सो फर्श बनाते समय इन सभी बातों का ध्यान दीजिए तो आपके फर्श में क्रैकिंग कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये वही पॉइंट है जो आपकी फर्श को मजबूत या फिर कमजोर करने के कारक होते हैं। सो फर्श में क्रैकिंग ना आए इसके लिए बस एक ही उपाय है कि आप इस कांच का उपयोग करिए। यदि आप कांच का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप टाइल्स का उपयोग करिए, जिससे आपकी फर्श में क्रैकिंग कभी नहीं आएगी। ठीक है,
सो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। गुड बाय एंड टेक केयर।